सेट पे भी कभी होता है कि कोई चीज देखती है गुस्सा चढ़ता है फ्रस्ट्रेट होती है और कह देती है सेट पे भी कोई सेट पे मैं चढ़ाने वाली बात हास करने की कोशिश करती हूँ अपने को एक्टर्स का अपने डायरेक्टर का अपनी प्रोडक्शन टीम का और उनको भी मेरा पता है बहुत सारे लोगों को तो आई थिंक कि मुझे मेरा ये है कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है ना अब मैं आपसे आके बुराई करूँ मैं आपसे आके नहीं मैं उस कंसर्न शख्स से कहूँगी कि देखिए ये गलत हो रहा है इसको रेक्टिफाई कर लें अभी हुआ बहुत दफा हो जाता है और उससे मुझे फायदा ये हुआ है कि मुझे लगता है कि वो लोग जो बार बार आपके साथ काम करते हैं वो आपकी बात को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं किस चीज पे कि देर लग रही है या क्या चीज छोटी सी बात एग्जांपल देती हूँ आई एम वेरी पर्टिकुलर नॉट फॉर माई सेल्फ मुझे नहीं इतना फर्क पड़ता तो मैं कहती हूँ देखो सुबह हम सेट पे आए हैं ना हम वो लोग हैं जो टाइम पर आते हैं आप जो टाइम देते हैं हम आते हैं एक टाइम होता है जिसपे लंच सर्व हो जाना चाहिए बिल्कुल आप वो टाइम रखें मैंने भी किसी का मैंने कहा देखिए अल्लाह ताला नमाज ही वक्त पे ही मांगते हैं ना ये तो नहीं कि जब दिल चाह पढ़ ली राइट तो मैंने कहा आप एक टाइम रखें सब लोग खाना खा लें सबकी एनर्जी लो हो रही होती है चाहे वो हम हो चाहे वो क्रू के उनका तो शक्कत वाला काम है और ये कि जी दो सीन और कर लो जी दो एक सीन और निकाल दो कि वो आपने क्या वो टिक मार्क करने के जी लंच से पहले इतने सीन हो गए थे ये करना ना करें ये होता है ना लिखते हैं ये ना करें आप ये देखिए एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या अचीव किया तो अब वो बात समझ गए हैं तो अब वो जिस सेट हुआ कि एक हम लोगों ने कहा कि पता कल आप नहीं थी ना सेट पे खाना लेट हुआ था अच्छा मैं भी बड़ी पर्टिकुलर उस चीज की 2 बजे लग जाता है खाना मुझे भी होता है कि खाना टाइम पे लगा दो आपको क्या चीज पर्टिकुलर है समझिए ऑन द सेट मैं खुद भी मैं बहुत पंक्चुअल हूँ आपको पता ही है और पर्टिकुलर हूँ अपनी हर चीज मैं आज सेट पर एक बात डिस्कस कर रही थी एक हमारा सीन लेट हो गया एक आर्टिस्ट उसकी शर्ट रह गई अच्छा वो कल भी गई लेकर आई फिर आज गई लेकर आई मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि आप अपनी कंटिन्यूटी भूल कर आ गए एली अब ये देखें कि कितने साल का मेरा भी एक्सपीरियंस हो गया है मुझे आज तक नहीं याद कि मैं कभी अपना वार्डरोब या कोई भी चीज़ मैं भूल कर आ गई हूँ और सेट पर आ गई मैं क्यों आई हूँ फिर सेट पर अगर चीजें कौन से ड्रामे की शूट है कौन से ड्रामे की शूट इतनी डिटेल पूछेंगे इतनी डिटेल नहीं बताओ अभी फ्री हो रहे हैं बहुत अच्छा फिर इजाज़त नहीं उस स्लिप इन किया नहीं मजे की बात बताओ एक आर्टिस्ट ये तो हम पता चला क्या अब कनेक्ट करेगा बड़ा मूड खराब हम सब बैठे हुए हैं तो वो नहीं आ रही वो नहीं आ रही तो वो आके बैठी तो मुझे लगा कि इनका रोजा नहीं था इन्हें खाना वाना उन्होंने नहीं दिया होगा दोपहर में टाइम पर तो अच्छी मैंने कहा आपको खाना नहीं मिला मुझे लग रहा है कहती नहीं मैं कब से सुबह 10 बजे से आई हूँ सीन कर रहे हैं 4 बजे मैं सो गई अब मैं सो गई तो अब मुझे उठा के कह रहे हैं सीन करने तो मैं तो जब सो जाऊँ मैं उठ के फौरन तो सीन नहीं करा सकती मेरा मुंह सूज जा होता है मुझे तो 1-1.5 घंटा चाहिए तो मैं इतनी हैरान हुई मैंने कहा अब इस बात पर तो बेचारा प्रोडक्शन वाले या एडी क्या करे खुद सेट्स पे चीज मतलब देखी और झेली भी है कि नहीं मुझे नींद आ रही मैंने अभी नहीं मैंने सीन कराना तो बाकी सारे क्या करें फिर वो ढूंढ रहे हैं कि कोई और सीन कर लें बीच में से क्योंकि एक शख्स ने मना कर दिया कि मैंने नहीं उठना ये किस एज ग्रुप में है साहब है साहिबा छोटे हमारी एज ग्रुप में अच्छा नहीं मैं तो छोटे वाले एज ग्रुप का सोच रही हूँ अभी जिनसे मेरी पर्सनल रिलेशनशिप अच्छी है उनको मैं डांट सकती हूँ आपने कहा ना कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है मैं डायरेक्ट देखिए ना अब वो अगर एक मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ ना मैं डायरेक्टोरियल टीम से हूँ वो मेरी जगह नहीं है बोलने वाली हाँ डायरेक्टली कि मेरे ऊपर कुछ आ रहा होगा वो एक अलग बात है लेकिन ये कि जिन लोगों से अच्छी है कई ऐसे बच्चे हैं छोटे क्यूट जिनको मैं डांट देती हूँ और वो मेरी डांट सुन भी लेते हैं और फिर ठीक हो खड़े होकर फौरन सीन करवा भी देते हैं ना सुन भी लेते ये भी रो भी हो मैं आजकल जो ड्रामा कर रही हूँ उसमें एक बच्ची है उसका नाम है इतनी का कैरेक्टर कर रही है बच्ची है ना तो उसे मैं 2-3 मरतबा देखा वो आई और उसने सलाम नहीं किया तीसरे दिन मैंने उसे कहा मैंने कहा बेटा सलाम करते हैं मैंने कहा बेटा सलाम करते हैं तो कहती हूँ सॉरी मैंने बहरहाल कुछ भी हो गया अब आज वो मेरे सामने जितनी मरतबा आई है उसने कहा आपस सलाम लिखो आपस बहुत अच्छी बात मैंने कहा बेटा दिया ना एक ही दफा कहना तो वो मैं अगर 2-3 आर्टिस्ट इधर बैठे हुए मैं उधर हूँ तो आपस सलाम लिखो तुम मुझे चढ़ा रही हो नहीं मैं तो कई बार ये भी करती हूँ कि मैं आई हूँ जैसे कई लोग नहीं कहते मैं कहती हूँ वालेकुम अस्सलाम कैसे हो ये मैं तो उसकी एक्टिंग की उस दिन की ऐसा होता है ना कि आप आए सेट पे और वो ऐसे सलाम भी किया ऐसे होते हैं
आप गुजर गए बातचीत सब, जैसे आप है ही नहीं, आपको देखा नहीं, फिर आप एकदम सलाम किया, ओ वालेकुम। हाँ जी हाँ जी, मैंने तो आपको देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।